हेलो गाइस, आप सभी का टीकेटी में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि आप कोरोना वैक्सीन के लिए किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपना स्लॉट किस प्रकार बुक करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं सबसे पहले और जल्दी से शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले गाइस, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वैक्सीन के लिए, तो इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा एक सरकारी जो गवर्नमेंट वेबसाइट है जो कि वैक्सीन के स्लॉट अवेलेबल कराती है, उसमें रजिस्ट्रेशन की सेवा देती है। तो उस पर आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा। उस वेबसाइट की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके उस वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। वैसे तो आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो उस ऐप से भी जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पर वो ऐप इतने अच्छे तरीके वर्क नहीं करता है। तो अगर आप कोशिश करें तो आप इस वेबसाइट पे ही काम करिएगा। आप इस वेबसाइट को अपने फोन पर भी ओपन कर सकते हैं और पीसी पर भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पीसी पर ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं पीसी पर करूंगा उसी प्रकार आप अपने फोन पर करिएगा। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने अपना क्रोम ब्राउजर पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर सर्च करते हैं वेबसाइट का नाम, जो कि नाम है कोविन। केवल आपको कोविन लिखना है और इसके बाद उसको सर्च कर देना है। तो सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आएगी उसी पर आपको चले जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोविन वेबसाइट आ गई, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कोविन की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वो वेबसाइट ओपन होकर यहाँ पर आ गई। और आप अगर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे अगर आएंगे तो आप यहाँ पर वैक्सीन के सेंटर्स भी देख सकते हैं कि वैक्सीन सेंटर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है। अपना पिन कोड डाल के सर्च कर सकते हैं या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सर्च कर सकते हैं या फिर मैप के अनुसार देख सकते हैं। पर अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा इसमें। तो सिंपल, अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप देखेंगे राइट कॉर्नर में ऊपर से यहाँ पर एक बटन दी गई है, रजिस्टर एंड साइन इन योर सेल्फ। इस बटन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए फिर मैं जल्दी से क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद एक नए टैब पर एक नया पेज ओपन होके आएगा। आप गाइस, यहाँ पर लॉग इन और साइन अप करने के लिए अलग अलग चीजें नहीं है, यहाँ पर एक ही पेज है। और एक ही पेज में अगर आपको साइन इन करना है तो भी यहीं पर अपना फोन नंबर डालना पड़ेगा। लॉग इन करना है तो भी आपको अपना फोन नंबर यहीं पर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर अपना जल्दी से फोन नंबर एंटर कर दे रहा हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा तब भी आप नंबर यहीं पर डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना फोन नंबर डाल दिया और गेट ओटीपी पे जो बटन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब मेरे फोन पर ओटीपी आएगा, मुझे उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो मेरे फोन में गैस ओटीपी आ गया है, मैं उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर दे रहा हूँ। इसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद गैस आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरा इंटरफेस है वो ओपन होकर आ गया। यहाँ पर मेरा स्लॉट मैंने पहले बुक किया था और मेरी एक डोज वैक्सीन की लग चुकी है, तभी यहाँ पर डिटेल दिखाई जा रही है। एक बात गैस मैं आपको और बता दूं कि अगर आपने अगर एक फोन नंबर से लॉग इन किया है या फिर साइन इन किया है तो आप उसमें केवल 4 मेंबर्स को केवल ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले से अपना वाला जो फैमिली के मेंबर्स है मैंने उनको यहाँ पर ऐड करके रखा है और स्वयं भी मैं यहाँ पर ऐड हूँ। तो जैसे सबसे पहले मेरा नाम आया जिसकी वैक्सीन लग चुकी है मेरी एक डोज, और नीचे साइड आएंगे तो 2 लोगों का नाम और ऐड है यहाँ पर, और थर्ड मेंबर को ऐड करने के लिए यहाँ पर और कह रहा है हमसे, एक ऐड मेंबर की बटन यहाँ पर हमें दी गई है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं चौथे पर्सन को मैं और ऐड कर सकूंगा। 4 पर्सन के बाद आप किसी को भी ऐड नहीं कर पाएंगे सिंगल फोन नंबर से। तो याद रखिएगा, एक फोन नंबर केवल 4 लोग ऐड होंगे। तो ऐड मेंबर पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे आईडी प्रूफ मांगा जाएगा कि आपके पास कौन कौन से आईडी अवेलेबल है, और यहाँ पर आप चेक कर लीजिए जो आईडी यहाँ पर दी गई है केवल आपको वही आईडी लेके जाना पड़ेगा वैक्सीन के सेंटर पर। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और पेंशन पासबुक यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो स्मार्ट कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और फिर यूआईडीआई की जो वेबसाइट होती है, मतलब ये फिर डिसेबिलिटी की, अगर आप हैंडीकैप है तो उसका भी आप यहाँ पर कार्ड लगा सकते हैं, राशन कार्ड भी लगा सकते हैं अगर आपके उसमें फोटो लगी हुई है। तो मैं यहाँ पर जनरली जो है मैं आधार कार्ड ले ले रहा हूँ। आधार कार्ड पर क्लिक कर देते हैं, फिर आधार नंबर मांगा जा रहा है तो यहाँ कोई आधार नंबर एंटर कर दे रहे हैं। मैं आपको टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज आप अपनी सही जो डिटेल है वो सही फिल करिएगा। तो मैं यहाँ पर आधार नंबर लिख दे रहा हूँ। गाइस मैंने यहाँ पर आधार नंबर लिख दिया, ये मैंने एक रेंडमली आधार नंबर लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर नाम लिख देते हैं किसी का नाम, और फिर जेंडर पूछा रहा है तो यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर ईयर पूछा रहा है कि कौन से ईयर में है। याद रखिएगा जो वैक्सीन के जो यहाँ पर बुकिंग है वो 18 ईयर से लेकर 45
5 ईयर्स तक के लोगों के लिए केवल अवेलेबल। अगर इससे बड़े लोग हैं तो उनकी आप बुकिंग यहाँ पर नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा पर आप उसका स्लॉट जो है वो सेट नहीं कर पाएंगे, उनका स्लॉट को आप नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर ईयर सेट कर लेते हैं कि कौन से ईयर का डेट ऑफ बर्थ उस आधार कार्ड में लिखा हुआ, तो केवल आपको ईयर डालना, तो मैं यहाँ पर ईयर डाल दे रहा हूँ और फिर इसके बाद एड बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिख के ऊपर आ गया इंडिविजुअली रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर कर दिया गया। अब मैं अगर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे अगर आऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एक बॉक्स बन के आ गया, यहाँ पर डिटेल दी जा रही है जिसको मैंने अभी भी ऐड किया, ABC ABC, और फिर यहाँ पर रेफरेंस ID दी गई है, आधार नंबर के जो 4 डिजिट्स हैं वो भी लास्ट में यहाँ पर लिखे हुए हैं, और डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो गाइस इस प्रकार आप बड़ी आसानी से किसी भी अपने फैमिली के मेंबर का रजिस्ट्रेशन आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे और इस वेबसाइट पर उनको ऐड कर पाएंगे, तो काफ़ी अच्छा है। और याद रखिएगा बिना रजिस्ट्रेशन किए बिना ऐड किए आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाएं जाके चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाएं, आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा, बिना रजिस्ट्रेशन किए काम नहीं होगा। तो गाइस काफ़ी अच्छा तरीका है, काफ़ी ईजिली आप किसी को भी यहाँ पर ऐड कर सकेंगे। तो आपको ये तरीका कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे और वहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे।